हाय फ्रेंड, अस्सलामु अलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चना चाट। बहुत आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे और बहुत मज़ेदार सी हमारी चटपटी सी चना चाट तैयार होगी। इसको बनाने के लिए हमने बॉयल चने लिए हैं 1 से 1.5 कप। 2 अदद हमने आलूओं को बारीक कट करके इसे बॉयल कर लिया है और इसमें हम टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज डालेंगे बारीक चॉप की हुई। आइए इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका बैटर तैयार करते हैं पकौड़ों का। 1 से 1.5 कप हमने बेसन लिया है, इसमें 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। नमक और बेकिंग पाउडर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बेसन के अंदर। अब हम एक बैटर तैयार करेंगे, इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। इसकी एक सॉफ्ट कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, लिक्विडी आप देख सकते हैं, इसमें कोई लम्स ना रहे। हमें इतना बीट करना है, इसे मिक्स करना है बेसन को। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ हमें इस तरह से रखनी है। बेसन का बैटर हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पैन गरम करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और इसे रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर, इसका पाउडर बना लेंगे। अब ऑयल गरम करेंगे, ऑयल गरम करने के बाद हम इसमें पकोड़े फ्राई करेंगे। पहले हम चेक करेंगे एक पकोड़ा डालकर कि हमारा ऑयल गरम हुआ या नहीं। ऑयल हमारा गरम है, अब मज़ीद हम पकोड़े इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो स्पून की मदद से भी इसको डाल सकते हैं और चाहे तो हाथ की मदद से भी। अब हम इसको पलट देंगे जहाँ से ये सिक चुके हैं, दूसरी साइड से हम इसे फ्राई करेंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। जो हमने पहले डाले थे हम पहले वो निकालेंगे और अब हम एक बाउल में पानी डालेंगे और इसे उसमें सोक कर लेंगे। पानी में हम इसे सोक करेंगे 5 मिनट तक। बस 5 मिनट में ही ये सोक हो जाएंगे और फिर हम पानी से इसे निकाल लेंगे। जब तक हम मज़ीद इसमें और पकौड़े फ्राई करते हैं। पकौड़े हमारे सिक चुके हैं एक साइड से, अब हम इसे पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन सारे पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे भी पानी में सोक कर लेंगे। अब हम इसी ऑयल में 5-6 अदद
साबुत लाल मिर्चों को फ्राई करेंगे और इसको क्रिस्पी करके हम निकाल लेंगे ऑयल से। लाल मिर्च हमारी फ्राई हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है। अब हम इसे निकालेंगे और इसे कूट लेंगे। पकोड़े हमारे 5 मिनट सोख हुए हैं। अब इसे हम पानी से निकालेंगे और जो हमने दूसरी शिफ्ट में पकोड़े फ्राई किए थे उसे सोख करेंगे इसी पानी में। अब हम एक ट्रे में पकौड़ों को लगाएंगे। सर्विंग ट्रे में हम इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। अब 1 से 1.5 कप हमने चनों को बॉईल किया था। सफ़ेद छोले जो होते हैं हमने उसे बॉईल किया था बेकिंग सोडा डालकर और नमक डालकर। अब वो हम ऊपर से इसके लेयर लगाएंगे। दो अदद आलूओं को हमने बारीक कट करके बॉईल कर लिया था नमक ऐड करके। बॉईल किए हुए आलू हम इसमें डालेंगे। अब हरी मिर्चें ली हैं हमने, लहसुन के जवे लिए हैं, पुदीना लिया है और ज़ीरा लिया है। इसकी हम एक चटनी तैयार करेंगे और इसको दही में मिक्स कर लेंगे। ये रिकॉर्ड करना मैं भूल चुकी थी। दही 2 कप हमने दही ली है और उसमें ये चटनी का पेस्ट हमने ऐड कर लिया है। अब हमने साबुत लाल मिर्चें जो क्रिस्पी की थी उसे हम क्रश करके इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक पाउडर भी बना सकते हैं इसका। मैं इसको ऐसे ही क्रश करूंगी और इसको डाल दूंगी। ज़ीरा हमने रोस्ट किया था 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें थोड़ा वो ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरे का पाउडर भुना हुआ। चाट मसाला, दही बड़ों का मसाला हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1 टीस्पून हम अभी डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। इमली का पल्प ऐड करेंगे हम 1/2 कप। 1 टमाटर मैंने बारीक कट कर लिया था और 1 प्याज मैंने बारीक चॉप कर ली थी। अब वो हम डालेंगे इसमें, बारीक कटा हुआ टमाटर, 2-3 बारीक कटी हुई चॉप की हुई हरी मिर्चें, अब बचा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे हम इसमें और हरा धनिए से हम इसको गार्निश करेंगे, हरे धनिए से और पुदीने से। मज़ेदार सी चना चाट हमारी तैयार है। बहुत चटपटी सी हमारी चना चाट तैयार हुई है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी ज़बरदस्त आया है और ये खाने में भी बहुत लजीज है। आप भी ट्राई करें और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।